नमस्कार। अभी वर्तमान के दौर में चारों तरफ बिजली का संकट गहराया हुआ है, न बल्कि भारत बल्कि चीन में भी बिजली का संकट भारी उत्पन्न हुआ है। चारों तरफ कोयले का हाहाकार मच रहा है, कोयले का डिमांड इतनी बढ़ गई है कि कोयले का शॉर्टेज आ गई है, और इंडिया में तो इतनी शॉर्टेज आ गई कि पावर कट होने लगा है और पूरे देश में ब्लैकआउट होने की स्थिति भी आ गई है। अब कोयले के ऊपर सारी इतनी चीजें बात हो रही है, तो अपन ये जानेंगे कि आखिर कोयले से बिजली उत्पन्न कैसे होती है, और सेकंड, भारत विश्व का दूसरा कोयला उत्पादक देश है, फिर भी भारत विदेशों से क्यों आयात करता है कोयला, क्या रीजन है, इसके बारे में अपन जानेंगे। देखिए कोयले से बिजली कैसे बनती है, आइए जानिए कोयले से कैसे बनती बिजली। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा इसका आविष्कार किसने किया। 1831 में माइकल फैराडे ब्रिटिश वैज्ञानिक है, इन्होंने कोयले से बिजली कैसे बनती है उसका आविष्कार किया। अब ये कैसे जनरेट होती है बिजली, ये देखिए। सबसे पहले देखिए कोयला, ये आपको दिख रहा है, ये कोयला है, खदानों से कोयला निकलता है, फिर थर्मल प्लांट्स में कोयला जाता है, वहां कोयला स्टोर होता है, फिर यहां से क्या होता है, इस कोयले को क्रेशर प्लांट में डाला जाता है। यहां पर डालने का मतलब ये जो कोयले के बड़े बड़े टुकड़े है ना, इनको पूरी तरीके से बारीक किया जाता है। क्या किया जाता है, बारीक, बिल्कुल इसका चूरा किया जाता है। इतने बड़े बड़े कोयले के टुकड़े होते हैं, उनको बिल्कुल बारीक किया जाता है क्रेशर प्लांट में डालकर। उसके बाद में क्या किया जाता है, यह है बॉयलर। ये जो कोयले का चूरा है, बारीक चूरा, इसको बॉयलर में डाला जाता है। यहां पर वाटर है, इसको हाई स्टीम ताप पर ये कोयला इसमें डाला जाता है और गर्मी पैदा करते हैं। हाई प्रेशर स्टीम मतलब एक प्रेशर पैदा करते हैं उस कोयला, जैसे जैसे कोयला जलेगा उस पानी 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 को जैसे जैसे गर्म करेगा, एक प्रेशर पैदा करेगा, एक भाप पैदा करेगा। और ये भाप क्या करेगा, ये यहाँ ये जैसे ये भाप यहाँ जाएगी और एक टर्बाइन है, ये टर्बाइन, ये भाप क्या करेगी, इस टर्बाइन को घुमाएगी। अब आप ये ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा भाप होगी ना, पानी की भाप निकलेगी, उतना ज़्यादा स्पीड में टर्बाइन घूमेगा, स्पीडली घूमेगा। एक बात नोट रखना, पानी से जब बिजली चलती है ना, तो पानी से भी टर्बाइन घूमते हैं, आपको पता हो तो। वो कैसे घूमते हैं, जब पानी तेज स्पीड से उन टर्बाइन पर पड़ता है ना, तो तेज स्पीड से वो टर्बाइन घूमते हैं और बिजली जनरेट होती है। सेम टू सेम इसी प्रोसेस में यही होता है, इसमें पानी नहीं पड़ रहा है, इसमें भाप बन रही है, पानी गर्म हो रहा है और हाई प्रेशर स्टीम वो भाप बन रही है, और वो भाप इन टर्बाइन को तेज स्पीड में घुमाती है, तेज स्पीड घुमाती है, तो फिर वहां से बिजली जनरेट होती है। और जैसे वो बिजली जनरेट होती है, तो यहाँ पे जनरेटर लगे होते हैं वहां पे थर्मल प्लांट्स में, इन जनरेटर में वो बिजली स्टोर होती है। जनरेटर में बिजली स्टोर होने के बाद में सीधी वहां से सप्लाई होती है यूज के लिए, उद्योग धंधों के लिए होती है, घरों के लिए यूज के, डोमेस्टिक यूज के लिए होती है, यहां से सीधी बिजली निकलती है यूज के लिए। अब आप ये जानिए, देश अपना देश में कोयले का दूसरा उत्पादक देश है सबसे बड़ा, लेकिन फिर भी अपन कोयला आयात करते हैं, क्यों करते हैं ये देखिए, फिर भी कोयला आयात करते हैं। भारतीय कोयले को जलाने से राख ज्यादा और गर्मी कम होती है, धुआं ज्यादा होता है, राख भी ज्यादा होती है और गर्मी कम होती है। एक बात आप नोट करना, जितना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला होगा ना, उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। यह सब डिपेंड करता है कोयले की क्वालिटी पे। अपना भारतीय कोयला क्या है कि एक ये गर्मी कम देता है, धुआं ज्यादा देता है और राख ज्यादा करता है, गर्मी कम देता है। और जब आप इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाते हैं ना, तो ये धुआं कम करता है, राख भी कम करता है और गर्मी ज्यादा देता है। और जब गर्मी ज्यादा देता है, तो आपको क्या है, बिजली भी ज्यादा उत्पन्न होगी। अब देखना, एक किलो भारत का कोयला और एक किलो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया कोयले में अंतर देखना क्वालिटी का। भारत का कोयला 1 kg में आप देख सकते हो 4000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। 1 kg कोयला 4000 कैलोरी ऊर्जा पैदा करता है। अगर वही कोयला ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का हो, तो 1 kg में 6000 कैलोरी ऊर्जा पैदा करता है। देख लो आप, वॉट इज डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इन भारतीय कोयले में और विदेश के कोयले में। इसलिए भारत के थर्मल प्लांट विदेशों से भी कोयला आयात करते हैं और दोनों कोयले को मिक्स करके फिर जलाते हैं, क्यों, उनको को अच्छी गर्मी मिले, बॉयलर प्लांट को अच्छी ताप मिले, जिससे क्या है, टर्बाइन स्पीड में घूमे और ज़्यादा बिजली पैदा हो सके। आपको ये
बात जानना भी जरूरी है कि विश्व की 40% बिजली कोयले से पैदा होती है। अब ध्यान रखना, पूरे विश्व की 40% बिजली कोयले से पैदा होती है। तो आज आपने देखा कि बिजली कोयले से कैसे बनती है। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।